जी मैडम, बिना हेलमेट के तो ऐसे चल रहे हो जैसे फैशन शो में कैट वॉक कर रहे हो। चलान कटेगा चलान, वो भी पूरे 5,000 रुपए का। सॉरी सर, आज थोड़ी जल्दी में थी तो हेलमेट रह गया। नहीं 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 नहीं, नहीं ये सॉरी और यहाँ नहीं चलेगी। सख्त हवलदार हूँ मैं, सख्त हवलदार। उल्लू के पट्टे तने दिखाई नहीं देता। मैडम हेलमेट लगाएगी तो मैडम के हेयर्स खराब हो जाएंगे। तने पता है ब्यूटी पार्लर में ये बाल 1,000 रुपए में सेट हो है। अरे मैडम आप जाओ जाओ, ये तो पागल है। और हाँ मैडम, अगर आपको पूरे शहर में कोई भी रुकवा लेना, एक बार इंस्पेक्टर पीके की बात करवा दियो। मेरा मोबाइल नंबर है 4 4 3 3 2 2 और 1 1। थैंक यू अंकल। अंकल हवलदार, इसका चलान काट। इसकी तो आंख भी कमजोर है, इसको एक जवान लड़के में और अंकल में कुछ फर्क ही नहीं दिखता। इसका तो लाइसेंस कैंसिल कर दे अभी के भी, और इसको जेल में डाल दे। और जब तक बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक ये बूढ़ी आंटी ना दिखे। चलो चलो आंटी, चलो जी चलो। बोला था ना सख्त हवलदार, चलो। अबे ओ जूस वाले, कैसे रोड पे जूस बेच रहा है तू? अरे साहब, जूस रोड पर ना बेचो और छत पर जाकर बेचो। हाँ उल्लू के पट्टे, ये सड़क तो पहले इतनी बीड़ी है, ऊपर से इतना रेडी और लगा लिया, जाम लगवाएगा यहाँ। अरे साहब, रोड को तो अभी चौड़ा कर देते हैं। क्या मतलब है? आ, मेरा मतलब है जूस का गिलास छोटा लो गया बड़ा। भाई बड़ा कर दियो, मुझे तो बड़ा ही पसंद है। साहब हो गई सड़क चौड़ी। ले भाई मजा आ गया, तू अब आराम से जूस बेच। यहाँ तो वैसे भी मोटरसाइकिल कारा लाना है, कौन सा यहाँ जहाज लैंड करना है। ओह जनाब, आज तो इस रोड पे कोई आया भी नहीं। मुझे नहीं लगता आज बोनी भी होगी हमारी। ठीक कह रहा है भाई, हो गई बोनी जनाब। ए बाहर आ, बाहर आ, बाहर निकल। सुबह सुबह ऑटो को हवाई जहाज बना रखा है, पता कितनी स्पीड में था तू? तेरा चलान कटेगा ओवर स्पीड का। जनाब इसका चलान काटो। ओए चुपचाप ऑटो की आरसी निकाल, तेरा चलान काटूंगा। जनाब गरीब आदमी, जनाब क्यों मारो? जनाब चलान मत काटो। गरीब आदमी है, चल एक काम कर, तू 100 रुपए दे और निकल। चल जनाब सुबह सुबह का टाइम है, सोगा तक हो रहा। अरे भाई चल 50 का नोट दे और 9 2 11 हो जाए। जनाब 50 का भी कोने। इंस्पेक्टर डीके और हवलदार पीके बिना बोनी करे ना किसी को जाने नहीं देते, और तू हमारा पहला ग्राहक है। पैसे के बिना तो कुत्ते को भी टट्टी करने ना दे हम। तू 10 रुपए निकाल और जा। जनाब मेरे पास फूटी कोड़ी भी कोने आई। बेटा बात सुन, तेरा पाला इंस्पेक्टर पीके से पड़ा है, फ्री में तो मैं भी ना जान दूं। तू एक काम कर, 10 मिनट मेरी कमर में खुजली कर दे। जल्दी जल्दी जल्दी। जनाब वैसे एक बात तो है, जब से हमारी ड्यूटी इस एरिया में लगी है ना, तब से इस एरिया में क्राइम ऐसे रुक गया है जैसे 10 की गोली खाने के बाद टट्टी रुक जाती है। अरे भाई फिर हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के भी तो हैं। ये बात आपने बिल्कुल पते की करी है जनाब। बड़े साहब का फोन। जैन सर, क्या बात कर रहे हो सर? हमारे एरिया में? अरे सर फिर तो आप टेंशन ही मत लो, जब तक इंस्पेक्टर पीके और हवलदार डीके इस एरिया में तैनात है ना, तब तक कोई भी क्रिमिनल बच के नहीं जा सकता। ओके सर, जैन सर। क्या हो गया जनाब? जनाब अभी अभी शहर में एक मर्डर हो गया है, और वो लोग मर्डर करने के बाद हमारे एरिया में घुस आए हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हवलदार डीके और इंस्पेक्टर पीके के एरिया में घुस गए हैं। हवलदार डीके रिपोर्टिंग सर। तुझे पता ना अब क्या करना है? यस सर। एक्शन मोड एक्टिवेट।
अबे वो हवलदार, तुझे बता भी है कौन हूँ मैं? तू इस 150 किलो की बाइक पे बैठा 35 किलो का कंकाल है, और सुन ज्यादा हवाबाजी दिखाई ना तो तेरी खाल उतार के ना तुझे साइंस लैब में टांग दूंगा, बच्चों के हड्डियां गिनने के काम आएगा। चल जनाब इस चूते के चालान काटो, चल चल। साहब जी गलती होगी साहब जी, अब की बार छोड़ दो साहब जी। अबे ओए छिपकली की औलाद, तेरा चालान कटेगा पूरे 5,000 रुपए का। 5,000? साहब जी आपके पैर पकड़ता हूँ, कुछ ले दे के कर लो साहब जी। ले दे के जान दो जान दो। चल एक काम कर, उस दुकान वाले को 500 रुपए दे आ और निकल जा। ठीक है साहब जी, धन्यवाद साहब जी। चल चल चल। अबे वो मोटे चल, 5,000 रुपए दे, साहब की बीवी को दे के आने हैं। साहब ने बोला? हाँ जा पूछ ले साहब जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।